दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने की मुलाकात। 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। रूस यूक्रेन संकट पर भी चर्चा। भारत में 3 लाख करोड़ का निवेश करेगा। भारत जापान आर्थिक पार्टनरशिप में पिछले कई वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देशों के बिजनेसेस में जबरदस्त विश्वास है। पंजाब में भगवंत मान कैबिनेट की पहली बैठक में 25,000 नौकरियों को मंजूरी। पुलिस विभाग में 10,000 भर्तियां, अन्य विभाग में 15,000 नौकरियां निकाली जाएंगी। पंजाब के बाद मिशन गुजरात पर केजरीवाल। 2 अप्रैल को अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी करेगी रोड शो। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान होंगे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे पंजाब के आम आदमी पार्टी विधायकों को करेंगे वर्चुअली संबोधित। दिल्ली में सुबह 11 बजे बीजेपी किसानों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर करेगी प्रदर्शन। शपथ से पहले गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिले सीएम योगी। 25 मार्च को इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की चल रही है तैयारी। योगी के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारियों में जुटा प्रशासन। 25 मार्च को शाम 4 बजे योगी लेंगे शपथ। इकाना स्टेडियम में 75,000 लोगों के बैठने का इंतजाम। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की चर्चाओं को एसबीएसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने नकारा। कहा वो एसपी के ही साथ हैं। 2024 की तैयारी के लिए हम लोग रणनीति बना करके चुनाव में जा रहे हैं। अभी एमएलसी का जो स्थानीय निकाय का चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने दिया इस्तीफा। जयंत चौधरी को लिखी चिट्ठी। चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में सोमवार को होगी विधायक दल की बैठक। देहरादून में मुख्यमंत्री के नाम पर लगाएंगे विधायक मोहर। देर रात पुष्कर सिंह धामी पहुंचे दिल्ली। मणिपुर में सरकार के गठन को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष और मणिपुर के सीएम मौजूद थे। एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने कहा, हमारी पार्टी कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन के लिए है तैयार। बीजेपी को हराने के लिए किसी से भी करेंगे गठबंधन। एआईएमआईएम के प्रस्ताव पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार है, इसमें चौथे दल की एंट्री नहीं होगी। कर्नाटक सरकार स्कूलों में भागवत गीता पढ़ाए जाने पर कर रही है विचार। कर्नाटक के कांग्रेस नेता रहमान खान का बयान, सिर्फ भागवत गीता नहीं सभी धर्मों की किताबें पढ़ाई जाए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, भगवद गीता देश की संस्कृति से जुड़ी है, इसे धर्म से नहीं जोड़ सकते। भागवत गीता को आप किसी धर्म ग्रंथ के रूप में नहीं देख सकते। ये इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार और पूरे दुनिया के शांति और सौहार्द का ग्रंथ है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में होगा शरद यादव की एलजेडी का विलय। दिल्ली में दोपहर 12 बजे शरद यादव के तुगलक रोड स्थित घर पर होगा कार्यक्रम। दोपहर 2 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेगूसराय के रजोड़ा गांव में बच्चों के झगड़े के बाद 2 गुटों में हुआ विवाद। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, रजोड़ा में हिंदू सुरक्षित नहीं। बेगूसराय में रजोड़ा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो कहां जाएगा। पाकिस्तान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे पर 6,80,00,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। महाराष्ट्र के नासिक के कारोबारी ने दर्ज करवाई एफआईआर। ई टॉयलेट के टेंडर में धोखाधड़ी का मामला। यूपी के बस्ती में सदर सीट से एसपी विधायक महेंद्र नाथ के घर पर पुलिस का छापा। अपहरण का विधायक पर है आरोप। पुलिस की सख्ती के बाद विधायक ने अपहृत किए शख्स को छोड़ा। राजकुमार को 5 महीने से किडनैप करके रखा गया था। गृहमंत्री अमित शाह जम्मू में सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस में शामिल हुए।
शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सीआरपीएफ की भूमिका की तारीफ की। देश की सुरक्षा और आंतरिक सलामती का काम करते हुए फैले हुए लाखों लाखों सीआरपीएफ के सभी जवानों को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह का एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ाया गया। अब 2024 तक एसीसी के अध्यक्ष बने रहेंगे। 432 किलोमीटर लंबे श्रीनगर लेह हाईवे 73 दिन बाद रिकॉर्ड समय में खुला। बर्फबारी की वजह से 5 से 6 महीने तक रहता है बंद। गुजरात के कुछ हिस्सों और राजस्थान में हीट वेव के चलते बढ़ा तापमान। गर्मी का असर दिल्ली समेत कई राज्यों में दिखने लगा है। दिल्ली का तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। मध्य प्रदेश में भी भीषण गर्मी। भोपाल का तापमान 38 डिग्री के पार तो उज्जैन में 40 डिग्री हुआ तापमान। गर्मी के चलते दोपहर में लोगों ने घरों से बाहर निकलना किया बंद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के नर्मदापुरम में गर्मी के चलते पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा। यहां तापमान 42 डिग्री कर रहा है पार। राजस्थान के जैसलमेर में हीट वेव की वजह से तापमान पहुंचा 42 डिग्री सेल्सियस। गर्मी से लोग परेशान। जोधपुर में तापमान 40 डिग्री के पार तक पहुंचा। राजस्थान के जोधपुर में कई जगह पानी की किल्लत बनी हुई है। सार्वजनिक नलों में कभी 2 दिन बाद तो कभी 7 दिन बाद आता है पानी। ऐसे में पानी की किल्लत के चलते लड़ाई झगड़े भी बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में इस बार वक्त से पहले गर्मी ने यह आफत बढ़ा दी है। लोगों को पानी के लिए 2 से 3 दिन तक करना पड़ता है इंतजार। पीने के पानी को खरीदने के लिए 300 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। जयपुर के एक होटल में विदेशी महिला से रेप। नीदरलैंड की रहने वाली है पीड़िता। केरल भागने की फिराक में था आरोपी। सिंधी कैंप थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के प्रतापगढ़ जंक्शन में वोटिंग एरिया में महिला के साथ बलात्कार हुआ। पति संग प्रतापगढ़ से अहमदाबाद जा रही थी महिला। आरोपी फरार। आरोपी के भाइयों को हिरासत में लेकर हुई पूछताछ। एटा जिले के नेशनल हाईवे 91 पर सड़क हादसे के बाद छिड़ा बवाल। दोनों पक्षों में हुई फायरिंग। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी आरोपियों ने की 5 राउंड फायरिंग। दरोगा बाल बाल बचा। दिल्ली के पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर पर डीटीसी बस ने बाइक सवार को कुचला। मौके पर ही बाइक सवार युवक की मौत हुई। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में कांस्टेबल ने सरकारी AK-47 से गोली मारकर की महिला की हत्या। पत्नी बताकर 1.5 साल से रह रहे थे दोनों साथ। महिला दिल्ली तो आरोपी लुधियाना का रहने वाला है। पुलिस ने किया गिरफ्तार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।